और भाई लोग कैसे हो सब। नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कुछ प्रीवियस गेम के वीडियो डालूंगा, इसलिए ये भी एक प्रीवियस गेम का ही वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इस गेम में हम लोग जॉर्ज फॉल में उतरे, ये भी मेरे साथ रैंडम स्क्वाड थी। यहाँ भी जॉर्ज फॉल में कम बंदे ही उतरे थे, लगभग एक दो स्क्वाड ही उतरी थी। तो मैं उतरने के बाद यहाँ पर गन ढूंढने लगा। उतरते ही मैंने सबसे पहले मुझे डीपी मिल गई। मैं फर्स्ट कंटेनर पर उतर आते थे जो रोड साइड पड़ते हैं, तो डीपी मिल गया और मुझे एक्सटेंडेड मिल गया, साथ ही साथ मिनी 14 मिल गई। अगर आप जैसे उतरते हो आपको एक्सटेंडेड भी दिख जाता है ना, तो उसे उठा लेना चाहिए। गन तो आपको अगर AR चलानी है तो AR एक्सटेंडेड ज़रूर उठा लो, चाहे गन पहले मिले चाहे एक्सटेंडेड पहले मिले। बट वही बात है ना, जब साथ होना ही है उन दोनों का, तो चाहे पहले कोई भी मिले उठा लेना चाहिए, इसलिए मैंने भी उठा लिया था। उसके बाद हम लोग बंदे ढूंढने लगे कहाँ पे। तो यहाँ चार नंबर ने बताया एक बंदा साइड है, यहाँ पर उनके शॉट भी आने लगे थे। यहाँ पर मुझे लग पता चल रहा था यहाँ पर 2-3 बंदे हैं। यहाँ पर मैंने जैसे ही बार किया, यहाँ पर 2 बंदे थे, दोनों को मैंने मार दिया। और डीपी की जगह M7 मैंने उठा ली, क्योंकि मैं मोस्टली AR यूज़ करता हूँ। डीपी का जो रिकॉल टाइम है वो ज़्यादा है और क्लोज रेंज के लिए डीपी से बेटर है M762 है। इसमें वर्टिकल भी आप लगा सकते हैं, इसलिए रिकॉयल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा AKM के साथ 6X चलाते हुए, इतना तो मेरे से होता नहीं, बट मैं काफ़ी हद तक M762 का रिकॉयल कंट्रोल कर लेता हूँ, इसलिए मैं उसे यूज़ करता हूँ। साथ में वर्टिकल हो तब तो और फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो भी बॉट और बंदे थे उन लोगों को यहाँ पे किल करके हम यहाँ जॉर्ज पुल से आगे बढ़ने लगेंगे। तब यहाँ पे लगभग सबकी लूट पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये लोग अभी भी लूटने में लगे हुए थे। लूट का क्या है, आपने कई लोगों को देखा होगा, लास्ट में 3 बंदे बचे हों, उसने एक बंदे को मार दिया, फिर भी लूटने में लगा होता है। गेम में भले ही एक बंदा भी बचे हो, लेकिन बंदे को क्रिएट मिल जाए तो उसे लूटेंगे जरूर। F4 दोनों के पास 160 एमओ हो, उसे 4 बंदों को मार सकते हो, एक बंदा बचा हो फिर भी अगर क्रिएट मिल जाए तो लूट नहीं है। यहाँ पर हमने 2 बंदे देखे, हो सकती है यहाँ पर 2 बंदे मैंने किल कर दिए। तो यहाँ से अब मैंने सोचा नहीं निकल लेते, बंदे ढूंढने में लगे ठीक है, और बंदे भी यहाँ पे मैंने मारे थे, मुझे क्रिएट करा दिया और लग गई लूटने में। तो अब यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो हम लोगों को जोन में भी जाना था। यहाँ पे स्कोप वगैरह इकट्ठे करके, स्मोक स्कोप और ग्रेनेड, ये चीज़ें आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग इकट्ठे करके आ जाने लगे। यहाँ पे आपने कुछ बंदे ये गाड़ी में ब्रिज के पास, हम लोग भी यहाँ पे ब्रिज कंपनी के लिए आए थे और शायद ये लोग भी आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग इन लोगों से फाइट करने लगे, वेट करने लगे कि ये बंदे आ गए हैं, तो मैंने मार्क कर दिया कि बंदे वहाँ पे हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। इस घर का मेरे पास एक अच्छा कवर था, इसलिए मैं यहाँ पे, चूँकि हम लोगों ने फ्लेयर भी चलाई थी तो बंदे आने तो स्वाभाविक थे। यहाँ पर फ्लेयर मैंने देखा, मैं सोचा चलो बंदों को मारते भी हैं और साथ में फ्लेयर भी लूट सकते हैं हम लोग। बट कुछ बंदे होते हैं जो लालची होते हैं, जैसा कि 4 नंबर था, तो यहाँ पे उसे पड़ गई। भाई बंदे देख रहे हो सामने, तो ज़रूरी है ड्रॉप पे जाना, मार के लूट लो, लूट नहीं है तो। बट नहीं, खुद फ्लेयर लूटने ज़रूरी है, चाहे खुद मर जाओ। ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे भाई, फ्लेयर लूटने ज़रूर जाएंगे चाहे एनिमी पूरी तरह से मार दे। तो ये लालची स्वभाव कई लोगों को अब उनकी जान जोखिम में डलवा के उनकी जान तक ले लेता है। बट क्या करें, क्योंकि उन्होंने एक बंदा हमारा नॉक किया था, इसलिए हाल उन्होंने पुश भी कर दिया था। लेकिन हम भी तैयार बैठे थे और यहाँ पर मैंने लगभग
दो बंदों को नॉक कर दिया था और एक दो बंदे ही बचे थे जिन्हें लास्ट में किल करना था, तो उन बंदों को क्लियर करके यहाँ पे 3 किल मुझे मिले, मैंने इसे रिवाइव किया। और ये बंदा एक बार नॉक हुआ था साला, फिर कूद गया, पता नहीं लूटने आया था, पता नहीं क्या इसका अलग ही झंझट था जो भी था, तो ये लूटने के लिए कूदा और फिर लटक गया। यहाँ पे इसे बचा तो दिया गया, बट इसका लालची स्वभाव अभी तक मुझे समझ में भी नहीं आया। चलो लालच करो कोई बात नहीं, बट इतना भी नहीं कि ड्रॉप के पीछे खुद ही मर जाओ, या फिर ऐसा भी नहीं करो कि बंदा ये सोचे कि भाई इनका एक बंदा तो मैं ख़त्म करके जाऊंगा और वो पूरा तो मैं किल कर दूँ, तो ऐसा लालच भी ना हो। उसको उन टीम को ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पहले मैं नोटिस किया कि कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे एक बंदा, दो, लगभग फुल स्क्वाड थी जो मैंने नोटिस की। पहले मैं अपनी लोकेशन नहीं देना चाहता था, सामने एक स्क्वाड थी और हमारी स्क्वाड राइट साइड में थी, तो मैं चाहता था कि मैं आराम से वेट करूं और इन्हें किल करूं। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे दो बंदे आसानी से मिल गए, तो दोनों को मैंने नॉक कर दिया। कि एक बंदे ने हमारे बंदे को नॉक कर दिया था, यहाँ पे दो नॉक होने के बाद ये बंदा भाग रहा था, इसे भी मैंने नॉक कर दिया। अब इनका लास्ट बंदा बचा था ये, जिसे मैंने फिर किल कर दिया, इसी के साथ मेरे 13 किल हो गए। तो अब यहाँ पे दो ही बंदे बचे थे जो उस तरफ थे, ये बंदे उन लोगों को मार रहे थे, तब वो गाड़ी लेके आने लगे। यहाँ पे मैंने उन पर फायर भी किया बट वो बच गए, और फिर ये लोग आगे गए तो हमारे बंदों ने इन्हें किल कर दिया। इसके बाद चिकन डिनर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।